प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, और धन्यवाद इस बात का भी कि हम सब लोग प्रभु के संसार में, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के साथ जीवित और सही सलामत हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। तो जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और अगर वो हमारे अंदर है तो हम जीवित इसीलिए हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद उसके महान कुर्बानी के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसकी दया के लिए। हालेलुया। तो एक और नया एपिसोड लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। एक नया विषय है मेरा, जो प्रकाशित वाक्य का जो विषय चल रहा है वो अलग है, उसका दूसरा एपिसोड मैं आने वाले दिनों में लेकर आऊंगा। लेकिन ये खास वचन है आज का, इसके विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा आज के इस वचन को, क्योंकि वचन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें विचलित कर देती हैं और हमें परेशान कर देती है, सोचने के ऊपर मजबूर कर देती हैं कि इन बातों का अर्थ क्या है। क्योंकि बाइबल जो है वो शुरू से लेके अंत तक आत्मिक पुस्तक है। बाइबल आत्मिक पुस्तक है, इसमें सारी बातें आत्मिक है, तो उन्हें समझने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हमें आत्मिक बनना पड़ेगा। तो इन बातों को रोज बार रोज हम सीखेंगे। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर आऊंगा आपके सामने बाइबल की, और वो उसके अंदर जो बातें छिपी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज से हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं, इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा, बने रहिए मेरे साथ, और आज एक नया विषय है उस पर हम मनन करेंगे, और वो विषय है मूर्ति पूजा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर मुझे बताएं कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं सब्सक्राइब करते समय, ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके, जल्दी पहुंच सके, और आप नए वीडियो को देख सकें। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों का जो इस समय मेरे सब्सक्राइबर हैं और मुझे देखते हैं और वचनों को सुनकर अपने जीवन में उसका उसको लेकर चलते हैं। हालेलुया। तो आपका मैं शुक्रगुजार हूं हृदय से। तो आज का जो विषय है, मैं बता चुका हूं पहले ही, आपने देख लिया होगा शुरू में, कि आज का विषय है मूर्ति पूजा। तो एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये बाइबल, अगर आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो निकाल लीजिए बाइबल, और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसका 17 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यानी क्या, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में पिए। लेकिन कौन लोग होंगे ये विषय बात का है, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ूंगा। मैं 15 आयत के ऊपर आज प्रकाश डालना चाहता हूं। 15 आयत में एक शब्द है, उस शब्द को हम देखेंगे फिर हम आगे चलेंगे। लिखा है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। 15 आयत पढ़ी है मैंने, गलती से 17 आयत बोल दिया था। 15 आयत में लिखा है मूर्ति पूजक। तो जब ये शब्द हमारे सामने आता है मूर्ति पूजक, तो उस समय हमारे दिमाग में कुछ चलने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि ये किन के विषय में लिखा है। तो इस बात को जानना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये मूर्ति पूजक किसके विषय में लिखा गया है, किन के विषय में लिखा है। मैं दोबारा से पढ़कर बता देता हूं, यहां लिखा है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो ये लोग बाहर रहेंगे, स्वर्ग के बाहर रहेंगे, इनको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी, उनमें मूर्ति पूजक भी हैं। तो जब भी मूर्ति पूजक की बात आती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये किन के विषय में लिखा है। तो जिस परिवेश में हम, जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, यहाँ पर हमारे चारों तरफ मूर्ति पूजक हमारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, हमारे पड़ोसी हैं, ऐसे लोग हमारे आसपास रहते हैं, तो क्या ये उनके विषय में लिखा है?
लेकिन उनके विषय में तो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि हम उनको वचन सुनाए, उनका हृदय परिवर्तित होगा और वो भी प्रभु को मानेंगे, क्योंकि फिलिपियों की पत्री में संत पौलुस ने कहा है कि हर घुटना झुकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी। तो अगर ये बात सच्ची है कि हर घुटना झुकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी, तो ये कौन लोग हैं जो मूर्ति पूजक हैं? आज इस बात को हम देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है ये, और इस पर आप गौर कीजिएगा। और अगर ये बात आपको सच लगे, अच्छी लगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सब्जेक्ट कैसा लगा और आपको ये बात सच लगी या कैसी भी लगी हो, आप मुझे जरूर बताइएगा। तो मुझे जो प्रकाशन परमेश्वर ने दिया है, मैं आज उसके विषय में आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। हम सबसे पहले देखेंगे गलातियों की पुस्तक में, और उसका पांच अध्याय, गलातियों पांच अध्याय, और मैं उसके 16 पद से पढ़ूंगा। यहां पर क्या लिखा है, गलातियों पांच अध्याय, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है गलातियों में। यहां पर लिखा है, मैं अगर 19 से पढ़ूं तो सही रहेगा, क्योंकि 16 से पढ़ूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा वचन। यहां लिखा है 19 ऐसे, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला केड़ा, और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इनमें एक नाम आया है मूर्ति पूजक, है ना, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा करने वाले। अभी पढ़ लें, उसके बाद हम उसको विस्तार से जानेंगे। आइए एक वचन और देखते हैं। हम बहुत जगह लिखा है, लेकिन मैं दो तीन ही वचन पढ़ूंगा, ज्यादा पढ़ने से क्या होगा, लंबा हो जाएगा मैसेज। तो देखिए, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, 5 आज से मैं पढ़ूंगा, कुलुसियों 3 अध्याय के 5 पद से यहां लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, सॉरी व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और ये स्पष्टता से जान लीजिए कि मूर्ति पूजा किसे कहा गया है बाइबल में, ठीक है। एक वचन और देखते हैं हम, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 5 पद से मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिराश नहीं है। साफ रीति से 4 जगह मैंने पढ़ा है और चारों जगह यही लिखा है कि जो मूर्ति पूजक हैं उनकी एंट्री परमेश्वर के राज्य में नहीं है। अब ध्यान से सुनिए कि ये मूर्ति पूजक हैं कौन। मूर्ति पूजा का नाम आते ही, मूर्ति पूजकों का नाम आते ही, हमारे जहन में हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो जिनके बीच में हम रहते हैं, जिन मेजोरिटी में हम रहते हैं, जिनकी जनसंख्या इस देश में सबसे ज्यादा है, उनका विचार हमारे मन में आता है, जाति विशेष हमारे दिमाग में आ जाती है कि वो मूर्ति पूजक हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा बात है तो फिर ये जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी इस देश में, तो इसका मतलब क्या उनका उद्धार नहीं होगा? उसके विषय में तो लिखा है वचन में कि हर घुटना झुकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी। तो उनको वचन सुनाना इसका मतलब व्यर्थ है फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। आइए देखेंगे क्या चीज है, क्या बात है वो, जिसके विषय में इन चारों वचनों में और भी सारे बहुत जगह जहां लिखा है मूर्ति पूजा के बारे में, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक में एक आज्ञा दी है परमेश्वर ने, 20 अध्याय, निर्गमन 20 अध्याय उसका पहला पद, ये प्रभु परमेश्वर का के आज्ञा है, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिए, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। ये परमेश्वर की आज्ञा है, मूर्ति पूजा। ये बहुत ही गंभीर बात है, गंभीर मसला है, गंभीर टॉपिक है हमारे लिए, गंभीर विषय है कि इसके ऊपर हम विचार करें। मतलब क्या है यहां पर परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, उसमें अगर उसको हम निचोड़ें तो एक बात सामने आएगी, परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य के हृदय में,
मनुष्य के विचारों में, मनुष्य के मन में, मनुष्य की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम हो और वो हो परमेश्वर का और किसी का नहीं। सीधी सी बात यह है कि परमेश्वर से हटकर अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी बात को पहला स्थान अपने जीवन में देते हैं, वो हमारे लिए मूर्ति पूजा बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर ही जीवित है, बाकी सब चीजें संसार में मूर्त हैं, निर्जीव चीजें हैं, वो नाशवान चीजें हैं, वो खत्म हो जाएंगी एक दिन। उन सब को छोड़कर, एक परमेश्वर को छोड़कर बाकी सारी वस्तुएं, सारे मनुष्य, सारी बातें निर्जीव हैं, इनमें जान नहीं है, एक दिन इन्होंने खत्म हो जाना है, मैंने भी और आपने भी। तो हम परमेश्वर से ज्यादा, परमेश्वर से हटकर हम किसी और को अगर अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने हृदय में, अपने जुबान पर, अपने विचारों पर, अपनी दृष्टि पर ज्यादा महत्व देते हैं या उनको पहला स्थान दे देते हैं परमेश्वर से, तो वो होता है मूर्ति पूजा करना। क्योंकि एक मूरत को हमने क्या कर रखा है, अपने हृदय में रखा हुआ है, हमने उसको अपने विचारों में रखा हुआ है और हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो जायदाद हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पत्नी पति हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो संसार की कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, अगर उसे हमने परमेश्वर से पहले स्थान अपने जीवन में दिया है तो वो मूर्ति पूजा है। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को फर्स्ट नहीं, सेकंड बनाया है अपनी लाइफ में, उन्होंने परमेश्वर को दूसरा दर्जा दिया है अपनी लाइफ में और पहला दर्जा उनको दिया है जिसको वो चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, घर हो, मकान हो, मोटर गाड़ी बंगला हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, अगर पहला स्थान हमने उनको दे दिया है परमेश्वर से ज्यादा, अगर हम उनके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं तो हम उस समय मूर्ति पूजक हो जाते हैं। उस समय हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हैं और हम स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकते। इसलिए वचन में बार बार लिखा है कि मूर्ति पूजक जो हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मूर्ति पूजक का अर्थ है किसी निर्जीव चीज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना, उसे मूर्ति पूजा बाइबल में नहीं कहा गया है। बाइबल का अर्थ है किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी स्त्री को, पुरुष को, बच्चे को, माँ बाप, किसी को भी, किसी को भी अगर हमने परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया है, यदि हमने परमेश्वर से पहले उसको अपने जीवन में महत्व दिया है तो वो मूर्ति पूजा है। ऐसी परिस्थिति में हम मूर्ति पूजक कहलाएंगे और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई घटना है, तो हम उसे आज ही अपने जीवन से दूर करें, ताकि हम मूर्ति पूजक ना कहलाएं, हम विश्वासी कहलाएं और प्रभु यीशु मसीह हमसे कहे कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में शामिल हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं भी और आप भी, कि हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, हमारी दृष्टि में, हमारी जुबान पर परमेश्वर से हटकर कोई भी पहले स्थान पर ना हो, जिससे कि ऐसा ना हो कि हम भी मूर्ति पूजक कहलाएं। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस वचन को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि बहुत से लोग ये जान सके कि मूर्ति पूजा असल में बाइबल किसे कहती है, मूर्ति पूजक बाइबल किसे कहती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर विषय के लिए। आने वाले दिनों में ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम विचार करेंगे और एक तरफ मेरा जो प्रकाशित वाक्य का जो टॉपिक है, वो श्रृंखला है, वो चलती रहेगी। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा है। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे और हर पल हर क्षण आपके साथ रहे और आपको अपनी आगोश में रखे, ताकि कोरोना वायरस की दुष्ट आत्मा आप में से किसी के ऊपर भी प्रबल न होने पाए। हालेलुया।